हरे कृष्णा। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th कंपार्टमेंट का पेपर, जो कि 13 सितंबर 2021 को हुआ है, अभी हाल ही में जो 13 सितंबर गई है। तो इसमें जो है दो सेक्शन है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए का जो है आज हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे, जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि CBSE किस टाइप के क्वेश्चंस बनाती है वो आपको हिंट मिलेगी यहाँ से, और जो ये पेपर दे चुके हैं वो अपने आंसर्स को इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो भाई, हमारे चैनल पर जो है एक 12th क्लास का MCQ का कोर्स चालू है। अगर आपने वो कोर्स अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जा कर के आप उस कोर्स का बेनिफिट ज़रूर लें, क्योंकि जो भी टर्म वन देने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, उन वीडियो से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। तो भाई, ये हमारे पास जो पेपर भेजा था एक स्टूडेंट ने, इस बार एक ही सेट बनाया गया है और कोड नंबर है इसका 65x1x1। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में मैंने जैसा आपको बताया कि हम पार्ट ए के जो दोनों सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पार्ट बी की तरफ चलेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है जी। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, ए इंटू एडजॉइंट है, ये दिया हुआ है, बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ। तो यहां पर देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, ए इंटू एडजॉइंट है, मुझे ये दे रखा है, मैंने -2 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा 1 1 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ए इंटू एडजॉइंट है, ये होता है डिटर्मिनेंट इंटू आई। तो यहां पर ये -2i बन गया ना, तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको डिटरमिनेंट का आंसर क्या मिल जाएगा, -2। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है -2। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर बोल रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए सच दैट, बोल रहा है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको बताना है। देखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 2 और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 3 × 2, तो बच्चा क्या करेगा, इसका भी ऑर्डर 3 × 2 लिखाएगा। ठीक है भाई। अगर आपने इसको 3 × 2 मान लिया ए बी सी डी ई एफ, तो भाई जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इस रो में दो एलिमेंट है, इसमें तीन हो गए, मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, तो इसका ऑर्डर होगा, आप ये दो एलिमेंट हटा दो तो इसका ऑर्डर होगा 2×, तो इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2×2, क्योंकि अगर आपने इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को डिफाइंड करना है तो ऑर्डर शुड बी 2×2। ठीक है जी। और इसका बी जो और पार्ट है उसमें बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, बोल रहा है ए मैट्रिक्स बताओ, तो बी को आपने यहाँ पर पुट करना है, तो मैंने यहाँ पर बी को पुट करा, सबको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, और ये मैट्रिक्स उधर जाकर हो गई माइनस, तो 0 में से 2 गए -2, 4 माइनस -10 14, -7 -0 -7 5 -6 11। ठीक है जी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 तक। उसके बाद आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोल रहा है स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखो ऑन सेट ए बी सी। देखो, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन। स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन, और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर सेम होते हैं, यानी ए ए बी बी और सी सी, तो ये होगा हमारा स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इस इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना है, तो यहां पर देखिए, अगर मैं इसको फंक्शन और इसको एफ डेरिवेटिव एक्स, ये मान लीजिए फंक्शन है हमारा, जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करा, लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√x, फिर रूट एक्स का दोबारा 1/2√x, √x हो गया एक्स, तो फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ गया ना, जब ये वाला फॉर्मेट आता है फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में बैठा हो तो आंसर होता है ई एक्स एफ एक्स, तो आंसर क्या होगा इसका, ई एक्स लॉग रूट एक्स। ठीक है जी। और वाले पार्ट में क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, इस 2 को, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, 2 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर, ई और लॉग ये कट जाते हैं, आंसर होता है जो उस लॉग के साथ लिखा हुआ है रियल नंबर, तो ये एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3+। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर के बीच में हमको क्या बताना है, एंगल बताना है, तो मैंने इसको ए वेक्टर मान लिया,
इसको बी, दोनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। तो पहले मैंने दोनों का डॉट करा, ये आई माइनस जी डॉट जे माइनस के, इसमें क्या लिखा आई माइनस जे जीरो के और इसमें जीरो आई प्लस जे माइनस के, दोनों का डॉट करा, वन इंटू जीरो जीरो माइनस वन इंटू वन माइनस वन जीरो इंटू के जीरो, तो ए डॉट बी आ गया माइनस बी, दोनों का जब मैग्नीट्यूड निकाला इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा वन स्क्वायर इसका भी वन स्क्वायर, तो दोनों के मैग्नीट्यूड होंगे रूट टू फॉर्मूले में पुट करा ऊपर माइनस वन नीचे रूट टू टू हो गया, कॉस थीटा माइनस हाफ होता है 120 डिग्री पर, तो इसका आंसर होगा 120 डिग्री या फिर आप 2 पाई बाय 3 भी लिख सकते हो। इसमें बोल रहा है वेक्टर का प्रोजेक्शन लिखो ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगर आपको किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है एक्स एक्सिस पर तो आई के साथ जो नंबर लिखा होता है वही प्रोजेक्शन होता है, तो इसका आंसर होगा एक्स एक्सिस वाले का 3 और वाई एक्सिस वाले का -4, ठीक है जी। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में बोल रहा है ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है, ये दोनों कोलीनियर है, कोलीनियर होते हैं पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर की कंडीशन होती है रेशियो सेम होता है, आई आई वाले का जे जे वाले का के के वाले का रेशियो मैंने सेम कर दिया अल्फा बाय 2 3 बाय माइनस 1 माइनस 6 बाय माइनस बीटा, तो ये आ गया माइनस माइनस कट हो गया, इन दोनों को जब मैंने इक्वल रखा क्रॉस करा अल्फा मिल गया माइनस 6 और इन दोनों को जब मैंने इक्वल रखा तो बीटा मिल गया -2, ठीक है जी, सिंपल था ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल रहा है एक फंक्शन है 1 2 2 4 3 1 4 के, ये 1 1 फंक्शन है ए टू ए, ए का ए के साथ ये 1 1 फंक्शन है, बोल रहा है कि सेट ए है 1 2 3 4 के की वैल्यू बताओ, तो मैंने यहाँ पर ये ए का ए से फंक्शन निकाला 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखा, 1 लिंक है 2 से, 1 की इमेज है 2, 2 की है 4, 3 की है 1, तो मुझे बताओ 4 की इमेज क्या होगी, 3 होगी ना, तभी तो 1 1 बनेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 के, तो के क्या होगा 3 होगा, ठीक है जी। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4, 1 2 3 4 पर एक रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है, ऑर्डर पेयर में बी ए से एक ज्यादा है, बी जो है वो ए से एक ज्यादा है, अगर ए 1 है तो ये 2 होगा, 2 है तो 3 होगा, इस तरीके से बोल रहा है ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, तो ये सेट है ना, अगर 1 पुट करा तो 2 होगा, 2 पुट करा 3 होगा, 3 पुट करा 4 होगा, यही सिर्फ आएगा रिलेशन के अंदर। अब यहां पर 1 2 लिंक है, 2 3 लिंक है, लेकिन 1 3 लिंक ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी सी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मगर ए सी जो है बिलोंग करेगा, ए बी से लिंक है, बी सी से लिंक है, अगर ए सी से लिंक है तभी तो बोलते हैं ट्रांजिटिव है, यहां पर 1 2 से लिंक है, 2 3 से लिंक है, लेकिन 1 3 लिंक नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है भाई, तो आंसर है ट्रांजिटिव नहीं होगा। और इसमें बोल रहा है एक रिलेशन है R इस सेट पर, इसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं 0 से लेकर के 12 तक, और रिलेशन क्या है, दोनों बराबर है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, उन सभी एलिमेंट का आपको सेट बताना है जो 1 से रिलेट कर रहे हैं। देखो भाई यहाँ पर सेट है ये, दोनों बराबर है, इसके अंदर सिर्फ वही वाले एलिमेंट आएंगे जो दोनों बराबर है, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 0 1 1 2 2 3 3 12 12, और कोई तो आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि दोनों ऑर्डर्ड पेयर में ये दोनों नंबर सेम है, तो 1 सिर्फ 1 से ही तो लिंक होगा बस, तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा जो 1 से लिंक होगा, तो यही सेट होगा, और कोई एलिमेंट 1 से लिंक है ही नहीं अंडर दिस रिलेशन, ठीक है जी, तो आंसर होगा 1। ये तो बहुत ही सिंपल है ना, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करा इसको रो को कॉलम से, 1 × 2 2 0 × 5 0 4 × 6 24 प्लस करके 26 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में भी सीधा क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है कि आप ऑर्डर और डिग्री बताओ, तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्योंकि मैक्सिमम 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, क्योंकि लॉग के अंदर डेरिवेटिव आ गया तो डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड, तो ऑर्डर होगा 2, डिग्री होगी नॉट डिफाइंड, और बोल रहा है इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो, तो मैंने क्या करा डीएक्स को उधर ले गया, इंटीग्रेशन बोथ साइड करा, इसका वाई इसका एक्स, तो आंसर होगा जनरल सॉल्यूशन होगा वाई इक्वल टू ए एक्स। 11 में बोल रहा है ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ऑन दिस,
इसमें क्या है, एक्स की वैल्यूज क्या है, सारे रियल नंबर बट नॉट जीरो। तो मैंने इसका जब डेरिवेटिव करा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डेरिवेटिव से चेक होता है, डेरिवेटिव करा इस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है -3 बाय एक्स स्क्वायर। अब आप यहां पर एक्स को कुछ भी पुट करो, जीरो तो पुट नहीं कर सकते, कुछ भी पुट करो, स्क्वायर करोगे, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन आगे लगा हुआ है माइनस, तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। तो पहले क्रॉस हो रहा है, तो मैंने लिखा, क्रॉस निकाला पहले मैंने 1 3 -2 और -1 0 3। तो क्रॉस कैसे करते हैं, पहले आई लिखो, फिर ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, इसको इससे करा 9 माइनस, इसको इससे करा 0, फिर माइनस जे लिखा, ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, 1 3 3 माइनस प्लस 2, फिर लिखा के, ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, 0 माइनस माइनस 3, मतलब 0 प्लस 3, तो आंसर आ गया 9i - j + 3k। तो ये मेरा वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 9 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जब तीनों को ऐड करा तो आंसर आएगा √91। ठीक है जी, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 7। आपको ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि तीनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस को 2 पर, वाई एक्सिस को 4 पर, जेड एक्सिस को 7 पर कट कर रहा है। तो ये है इंटरसेप्ट फॉर्म, जब प्लेन तीनों एक्सिस को कट करता है तो आंसर होगा x/a, y/b, z/c = 1। ए दिया हुआ है 2, b 4, c 7, एलसीएम लिया 28, 2 के टेबल में 28 आएगा 14x, 4 के टेबल में 28 आएगा 7 पर 7y, 7 के टेबल में 28 आएगा 4 पर 4z, 28 उधर ले जाकर के इधर ले आओ, ये होगी प्लेन की इक्वेशन। अब बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन, ये दोनों पैरेलल प्लेन है, बोल रहा है इनके बीच में डिस्टेंस बताओ। देखो भाई, पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये, दोनों के जो कांस्टेंट हैं उनको माइनस करके √a² b² c² लेकिन यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा ना, प्लेन की इक्वेशन को सेम बनाना होगा, मतलब यहां पे 9 है, यहां पे 3 है, 15 है, 5 है, 21 है, 7। तो मैंने क्या करा, पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये बिल्कुल ऐसे हो जाए। तो ये हो गया 9, ये 15, ये 21, ये 9, अब दोनों सेम हो गई ना, अब फॉर्मूला लगा दो। तो d1 तो हो गया मेरा ये, और d2 हो गया मेरा ये, तो लिखा -9 - -12, √9 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 में से 9 गए 3, और इनका स्क्वायर करके सम करोगे तो आंसर आएगा 747। समझ में आ गया। 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है, बी दी हुई है, बोल रहा है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बाय बी बार बताओ। तो भाई ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और जो अकर हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे। यहाँ पर मैंने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, ए यूनियन बी बार क्या होता है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो डी मॉर्गन्स लॉ मैंने क्या करा, इसको मैंने लिख दिया ए यूनियन बी बार, और बार है तो 1 - pa - b, नीचे भी 1 - pb, ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाया, ये रहा, वैल्यूज पुट करी, 1/2, 3, 1/2, ये इंडिपेंडेंट है तो pa × pb होगा, यहाँ पर भी पुट करी 1/3, 1/2, तो ये हो गया 1/3, 1/2, 1/6, नीचे भी पुट करी, 1 में से ½ गए ½, इसका एलसीएम लिया 6, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, ऊपर 2 लिख दिया, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, 3 लिख दिया, 6 के टेबल में 6 आता है 1 पर, तो ये हो गया 5 में से 1 गए 4/6, तो 1 - 4/6, 1/2, 6 में से 4 गए 2/6, 2/6, 2/1, 2, 2, 4/6, आंसर आएगा 2/, तो इसका फाइनल आंसर होगा 2/3। और 16th जो क्वेश्चन है, लास्ट एक नंबर का, बोल रहा है कॉइन इज टॉस्ड वंस, सिक्के को एक बार उछाला, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड कम्स अप अ डाई इज थ्रोन, अगर हेड आया तो डाई को रोल कर दिया, टेल आया तो कॉइन को बोल रहा है दोबारा उछाला। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ हेड और नंबर 6 की, एंड लिख दिया बीच में हेड और नंबर 6, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, h1 h2 h3 h4 h5 h6 और ht और tt, मुझे बताना है इसकी प्रोबेबिलिटी हेड और नंबर 6। तो काफ़ी बच्चे लिख देंगे 1/8, गलत है वो। तो जब भी एंड आ जाए आपको क्या करना है, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालकर मल्टीप्लाई करना है, ये है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम।
तो हेड के चांसेस क्या है, 1/2, 6 के 1/6, आंसर होगा 1/12। तो अब भाई इसमें आपकी दो आई हुई है केस स्टडी, तो केस स्टडी के जो आंसर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं और कैसे आया। बोल रहा है फैक्ट्री मेक्स एन ओपन कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर अ ज्वेलरी शॉप फ्रॉम अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। तो फैक्ट्री क्या कर रहा है, कार्डबोर्ड बॉक्स बना रहा है ज्वेलरी के लिए, उसके चारों कॉर्नर से एक्स सेंटीमीटर का स्क्वायर वो काट रहा है और 18 सेंटीमीटर की टोटल साइड है। मतलब कि बोल रहा है कि फैक्ट्री जो है ओपन कार्डबोर्ड बना रहा है ज्वेलरी शॉप के लिए और एक स्क्वायर शीट है, एक स्क्वायर शीट से जिसकी साइड है 18, हर कॉर्नर से जो है स्क्वायर काट कर उनके फ्लैप्स को फोल्ड कर दिया। तो ये क्वेश्चन बुक का ही है, बिल्कुल सेम टू सेम 18 सेंटीमीटर का, इसकी साइड है 18 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ओपन बॉक्स का वॉल्यूम बताओ। तो देखो भाई बॉक्स कुछ इस तरीके से होगा, अब ये ओपन बॉक्स है, यहाँ पर कि मैंने क्या करा, इन फ्लैप्स को फोल्ड करा, इसको उठा दिया, इसको उठा दिया, इसको उठा दिया, इसको उठा दिया। तो भाई इसकी जो लेंथ होगी ना, टोटल साइड है ये 18, बॉक्स की लेंथ होगी अब ये, तो लेंथ कैसे निकलेगी, 18 में से 2x माइनस कर दो, 18 माइनस 2x। ब्रेथ कैसे निकलेगी, फिर से वही 18 में से 2x माइनस कर दो, 18 माइनस 2x। और जितने सेंटीमीटर का आपने स्क्वायर काटा वही हाइट बनेगी, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे थोड़ा सा इमेजिन कर लो, जब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो ये हाइट ऐसे आ जाएगी, तो ये हाइट बन जाएगी, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड बन गया, एल इंटू बी इंटू एच। तो पुट करा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू एक्स, ये दो बार है, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर खोला, 18 का स्क्वायर होगा 324, 2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, और 2ab होगा 72x इंटू एक्स। इधर से 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 18, यहाँ पर 81। तो देख लो भाई ये कौन सा ऑप्शन है, बॉक्स का वॉल्यूम हो गया हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन इसने डायरेक्ट पूछा कि वॉल्यूम को अगर मैक्सिमम करना है तो कंडीशन क्या होती है। कंडीशन ये होती है सिंगल डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होना चाहिए। तो इसमें भी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे में इसने पूछा जो स्क्वायर हमने काटा उसकी साइड बताओ, यानी कि अब एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकालते हैं, जब आप सिंगल डेरिवेटिव करोगे उसको जीरो रख दो, एक्स आ जाएगा। तो सिंगल डेरिवेटिव क्या है, वॉल्यूम जो मैंने निकाला था इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x³ और ये 72 और ये 324। देखो मैंने 4x को तीनों से मल्टीप्लाई करा, वॉल्यूम आ गया, सिंगल डेरिवेटिव करा तो ये हो जाएगा 12x² 144 324। अब अगर आपको x चाहिए तो आप सिंगल वाले को रख दो जीरो, उसमें से 12 कॉमन आ रहा है, ये बचा, मिडल टर्म करा यहाँ पर 9 और 3, 3 और 9 आ गया। लेकिन अब 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटा या 3 का, ये पता करने के लिए मुझे डबल भी करना पड़ेगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, 24x-144। अब इसमें जब आप 9 पुट करोगे तो आंसर आएगा ग्रेटर देन 0, तो 9 पर क्या बन रहा है, मिनिमा। 3 पुट करोगे तो आंसर आएगा लेस देन 0, तो उस पर क्या बनेगा, मैक्सिमा। मैक्सिमम चाहिए तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपको काटना होगा, यानी कि इसका आंसर होगा सी। फिर बोल रहा है ओपन बॉक्स का वॉल्यूम बता दो। अब एक्स की वैल्यू आपको मिल गई है, वॉल्यूम ये रहा, पुट कर दो इसके अंदर, सॉल्व कर दो, 432 आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन है। और लास्ट है, बोल रहा है कि रिमूव्ड स्क्वायर का टोटल एरिया क्या है। भाई अब आपको क्या, रिमूव्ड स्क्वायर की साइड पता चल गई ना 3, तो इसका एरिया क्या होगा, 9, ऐसे 4 कटे, तो आंसर कितना होगा, 36, यानी कि कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है जी। और लास्ट केस स्टडी है, ये है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। बोल रहा है इन आंसरिंग अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट फॉर क्लास 12th, क्लास 12th के लिए एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट हो रहा है। अ स्टूडेंट ईदर नोस और गेसेस और कॉपीज द आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 चॉइसेस। अब स्टूडेंट अगर ने अगर उसका आंसर करना है तो या तो वो जानता है या गेस करेगा या कॉपी करेगा। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक अ गेस इज 1/3, वो गेस करेगा इसके चांसेस है 1/3, प्रोबेबिलिटी है कि कॉपी करेगा 1/6, मतलब वो गेस करेगा 1/3 है, कॉपी करेगा 1/6 है। तो जानने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई वो भी निकालेंगे। और प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड, मतलब उसने कॉपी करके आंसर करेक्ट कर दिया, इस बात की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/8। तो यहाँ पर आपको इवेंट बना के दे रखी है, E1 है गेस करा, E2 है कॉपी करा, E3 है जानता है, और A है कि उसका आंसर क्या हो गया,
करेक्ट। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा आपको। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ, स्टूडेंट नोज द आंसर, वो आंसर जानता है इस बात के चांसेस क्या। देखो भाई, आपको ये तो पता ही होगा, E1 हो गया गैस, E2 कॉपी, E3 नो। भाई तीनों के चांसेस, तीनों की प्रोबेबिलिटी का संबंध होगा ना। यहाँ पर गैस किया उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3, कॉपी किया उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/6। वो जानता है अब इसकी मैं निकाल लूँगा, तीनों का संबंध होता है, पुट करा 1/3 1/6, उधर ले गया एलसीएम लिया तो आंसर आ गया 1/2। तो वो आंसर को जानता है इस बात के चांसेस होंगे 1/2। बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स करेक्टली गिवन दैट ही न्यू द आंसर। अब एक बात समझो, मुझे बताना है कि उसका आंसर सही हुआ वो जानता था। भाई अगर मैं कोई आंसर जानता हूँ मैं सही पे ही तो टिक करूँगा, तो इस बात के क्या 100% चांस होंगे। अगर कोई मुझसे पूछेगा इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली, मैं जानता हूँ तो मैं सही तो बोलूँगा। तो अगर मैं आंसर को जानता हूँ मैं सही तो दूंगा, इस बात के चांसेस क्या होंगे 1, तो ए आंसर होगा इसका। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ ही आंसर्स करेक्टली गिवन दैट ही मेड अ गैस। अब उसने गैस करा और आंसर करेक्ट निकल गया। अब यहाँ पर भी एक बात समझ लो भाई, मल्टीपल चॉइस में चार, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन था उसमें चार ऑप्शन है और उसको गैस करना है, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 ही तो हो गई भाई, चारों में से एक ही तो ठीक होगा अगर मैं गैस करूँगा, तो आंसर हो गया 1/4। फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ ही न्यू द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, वो जानता था और आंसर उसका क्या हो गया बिल्कुल। अब यहाँ पर लगेगी पूरी बेस थ्योरम। तो E1, E2, E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस की क्या थी 1/3, कॉपी की 1/6, नो की मैंने निकाल ली। A/E1 मतलब गैस किया और आंसर ठीक 1/4, कॉपी किया आंसर ठीक 1/8, जानता था आंसर ठीक 1। क्या निकालना है, आंसर ठीक निकल गया, वो जानता था पहले से ही, वो आंसर को जानता था। तो ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, सारी वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आएगा 24/29 यानी कि ए ऑप्शन। और फिर लास्ट में बोल रहा है कि के की वैल्यू 1 से 3 तक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 से 3 तक, मतलब पहले 1 पुट करा, E1/E2/E3/, इनमें भी सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा 1। ठीक है जी, तो ये हमने पूरा का पूरा पार्ट ए डिस्कस करा, आगे आने वाली वीडियोस में हम पार्ट बी भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन 18 के 18, 16 एक नंबर के और केस स्टडी दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।